मुरादाबाद के लालबाग स्थित काली माता मंदिर में सिविल डिफेंस द्वारा 2 दिवसीय कैंप आयोजित कराया गया। ये कैंप हर वर्ष सिविल डिफेंस द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, जहां पर भक्त आसानी से मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर सके, इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अष्टमी के अवसर पर मंदिर में सिविल डिफेंस के कैंप का शुभारंभ हुआ। अपर जिला अधिकारी नगर ज्योति सिंह, सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जयराज तोमर के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। साथ ही पूरे मंदिर परिसर का भी निरीक्षण किया गया। जानकारी दी गई कि नवरात्र के अवसर पर भारी संख्या में भक्त काली के मंदिर पर दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रों के 8वें दिन भारी भीड़ यहां दिखाई देती है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं। तो वहीं भक्तों की सुविधा के लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक भी अपनी सेवाएं देते हैं और 2 दिन तक यहां कैंप लगाया जाता है, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस वर्ष भी ये कैंप आयोजित कराया गया। देखिए, हर साल नवरात्रि पर यहाँ पर सिविल डिफेंस अपना कैंप लगाते हैं ताकि दर्शनार्थियों की सहायता कर सके और किसी को कोई परेशानी या समस्या होती है तो उसका निवारण यहाँ किया जा सके। मैं पहली बार तो नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी जनपदवासियों को, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम लोग उनकी सहायता के लिए पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम हमेशा ही अवेलेबल है, तत्पर है। उपनियंत्रक जयराज तोमर, सहायक उपनियंत्रक सतीश कुमार, प्रभारी डिविजनल वार्डन अशोक कुमार गुप्ता, स्टाफ अधिकारी चक्रेश लोहिया, स्टाफ अधिकारी राजेश गुप्ता, आईसीओ तिलक राज सिक्का, पोस्ट वार्डन लक्ष्मण सिंह प्रजापति, शाकिर हुसैन, विपुल कुमार अग्रवाल, सूरज प्रकाश, संजय कुमार गुप्ता, अनिल रस्तोगी, कमल कुमार कश्यप, नीतू सक्सेना, अनामिका गुप्ता, शवाना परवीन आदि लोग मौजूद रहे। एक तो जो नवदुर्गा का पूजन चला और नवरात्रि का जो पर्व है हिंदू पर्व, उसमें आम जनता के सहायतार्थ सिविल डिफेंस का जो कैंप है वो विगत वर्षों की भांति इस बार भी लगाया गया है। और सिविल डिफेंस का जो कैंप लगाया गया है, अब की बार लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भी सिविल डिफेंस की अहम भूमिका है, जिसमें हमारे सिविल डिफेंस के सभी जांबाज वार्डन साथी जो हैं वो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और इसके साथ हमारा पूरा कार्यालय भी लगा हुआ है, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिलाधिकारी महोदय का आशीर्वाद भी मिल रहा है, लगातार निर्देश भी मिल रहे हैं डीएम सिटी महोदय का। तो ऐसी स्थिति में सिविल डिफेंस बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। वो हमारे एक तो हर 5वें घर में सिविल डिफेंस का कोई ना कोई सदस्य जरूर है, चाहे वो गृह अग्निशमन दल के सदस्य के रूप में हो, चाहे प्राथमिक चिकित्सा दल के सदस्य के रूप में हो, या वार्डन सेवा के रूप में हो। तो हर 5वें घर में सिविल डिफेंस का एक सदस्य मिलेगा और इस क्षेत्र में भी सिविल डिफेंस के वार्डन संयोग बहुतायत संख्या में है। कल, आज और कल की जो भीड़ होगी उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी आम जनमानस को या कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो सिविल डिफेंस के वार्डन, सिविल डिफेंस के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, पेड स्टाफ है, वो तत्पर है उन लोगों को सहायता देने के लिए।